आज का वीडियो हमारे उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिन लोगों ने पीएम सम्मान निधि योजना की केवाईसी करवा रखी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो ई केवाईसी का जो ऑप्शन है, यहाँ पे वो अपना केवाईसी करवाने के बाद में ही अगर यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डाल के चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपनी केवाईसी का एक ऑप्शन आएगा कि अपना केवाईसी आप दोबारा करवाइए। यानी कि अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो यहाँ से आप नहीं चेक कर सकते हैं कि आपने केवाईसी करवा रखी है या नहीं करवा रखी है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है तभी आप यहाँ से आप चेक कर पाएंगे कि आपकी केवाईसी हुई है कि नहीं हुई है। और अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं रजिस्टर है तो आप सीएससी द्वारा ही चेक कर सकते हैं कि आपकी केवाईसी कंप्लीट है या नहीं हुई है। तो चलिए आज हम देखते हैं इसके केवाईसी पे ओके करके हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है। तो यहाँ पे हम अपना आधार नंबर डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे आप सर्च ऑप्शन पे ओके करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी केवाईसी है यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा कि आपकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। और इस नंबर जो आधार नंबर है इसकी केवाईसी हमने सीएससी के माध्यम से कर दिया है, पूरा कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे क्या मांग रहा है, यहाँ पे मांग रहा है कि अपना आधार नंबर यानी कि अपने जो आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर यानी कि आपके आधार पे जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज करके आप अपना केवाईसी ओटीपी वेस्ट केवाईसी दोबारा करवाएं। तो यहाँ पे हमने चेक करके देख लिया है, अभी इस आधार नंबर को हम कॉपी कर लेते हैं और अपने सीएससी पे खोल के चेक करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि हमारी केवाईसी कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे और अपना सीएससी लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले से सीएससी हमारा लॉगिन है, तो यहाँ पे हम बायोमेट्रिक आधार पे आ जाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद में ये आधार नंबर यहाँ पे हम डाल देंगे। आधार नंबर और कैप्चर डालने के बाद में सर्च ऑप्शन पे आपको ओके कर देना, और सर्च ऑप्शन पे ओके करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं ई केवाईसी इज अलर्ट डन, यानी आपकी जो केवाईसी है वो पहले से ही सक्सेसफुली डन हो चुकी है, इसका केवाईसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको भाई कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी केवाईसी हुई है या नहीं हुई है। आपकी केवाईसी 100% डन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे ई केवाईसी अलर्ट डन दिखाई दे रहा है, ये हमने सीएससी के माध्यम से चेक किया है तभी ये दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे आप नीचे आएंगे जो इसका होम पेज है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, तो यहाँ पे जब आएंगे तो ई केवाईसी जो आपका ऑप्शन है इस पे अगर आप जाएंगे और यहाँ पे आप आधार डाल कर और चेक करेंगे हमारी केवाईसी कंप्लीट है या नहीं हुई है, तो यहाँ अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है और अपने आधार ओटीपी द्वारा आपने अपनी केवाईसी कराई है तभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपकी केवाईसी कंप्लीट है। और दूसरी बात हम ये कर लेते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की केवाईसी करते समय अगर किसी ग्राहक का केवाईसी कंप्लीट होने के बाद में पेमेंट में एरर आ जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है पेमेंट आप ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट तो ये आपका फालतू का ले रहे हैं, क्योंकि आपको एक रिसीविंग देने के लिए जब तक आप ग्राहक को नहीं देंगे तब तक उनको संतुष्टि नहीं होगी कि भाई हमारी केवाईसी कंप्लीट है या नहीं हुई है। तो अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप दोबारा पेमेंट कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ से पूरी डिटेल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी केवाईसी अलर्ट डन है, और पेमेंट करने के लिए आपको इस ऑप्शन पे यहाँ पे आ जाना है और यहाँ से जो इसका IN के बाद में जो ई केवाईसी बायोमेट्रिक डिवाइस डॉट AXPX लिखा है तो इसको यहाँ से हम मिटा देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे, और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है पेमेंट रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन डॉट ASPX करके आपको ओके कर देना है। तो बिना कोई आधार नंबर डाले आप देख सकते हैं ये पेमेंट का ऑप्शन हमारे पास आ गया, ना तो हमने इसमें आधार नंबर डाला है ना कोई डिटेल डालना है। अब यहाँ पे अगर हम अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के हम इसका वैलिड डाटा पे ओके कर देंगे तो ये हमारे 5 यानी कि 5 रुपये और 34 पैसे हमारे अकाउंट से कट जाएंगे,
बिना कोई केवाईसी के ही, क्योंकि हमने ना तो उसमें आधार नंबर डाला ना कुछ डाला। यहाँ पे हमने क्या लिखा, पेमेंट रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन। जैसे ही हमने ओके किया तो यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे आधार द्वारा जो ओटीपी द्वारा केवाईसी की जा रही है, तो कि अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो आप यहाँ से केवाईसी कर सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे है कि आप अपना केवाईसी कैसे चेक करें कि आपकी केवाईसी कंप्लीट, जो आपने करवाया है वो कंप्लीट है या नहीं है, कोई दिक्कत है। तो अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर है और अपने आपने ओटीपी द्वारा यहाँ पे अपनी केवाईसी करवाई है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने ओटीपी द्वारा अपनी केवाईसी कराई है तो यहाँ पे आपको जब आधार नंबर डाल के ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे लिख के आएगा कि ऑलरेडी आपकी केवाईसी डन है। और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं रजिस्टर है तो अगर आपने सीएससी के माध्यम से केवाईसी करवा भी लिया है तो यहाँ पे जब आप आधार नंबर डालेंगे तो यहाँ पे आपका वो ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पे आपसे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगा जाएगा कि दोबारा आप केवाईसी कराइए, तो उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप सीएससी पे एक बार हम फिर से आपको दिखा देते हैं कि आपकी केवाईसी कंप्लीट है कि नहीं है। तो एक बार पेज दोबारा यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं और होम पेज पे इसके हम आ गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएससी लॉगिन का ऑप्शन है, तो हम सीएससी लॉगिन पे ओके कर देंगे। और यहाँ आधार बायोमेट्रिक आधार ऑथराइजेशन पे ओके करने के बाद में यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे और ये कैप्चर फिल करके सर्च ऑप्शन पे ओके कर देना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ई केवाईसी इज अदर डन, कोई दिक्कत नहीं, केवाईसी आपकी कंप्लीट है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।